फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं जब पार्टी में जाती हूँ तो मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं गुलाब जल लगाई, तो इससे क्या है कि मेरे फेस पे जितना डस्ट रहेगा वो हट जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं पॉन्स का क्रीम लगाती हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं पॉन्स का ही क्रीम यूज करती हूँ। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं फाउंडेशन ली हूँ, तो ये लेक्मी का फाउंडेशन है। और मैं दो फाउंडेशन यूज करती हूँ, तो कभी एक ही करती हूँ, लेकिन आज मैं पार्टी में जा रही हूँ तो आज मैं दोनों मिक्स करके करूँगी। तो ये है मेट माउस का, इतना अच्छा इसका वेट है ना, मतलब कि आप अगर फेस को पानी से भी धोओगे तो ये जल्दी नहीं उतरता है। ये फाउंडेशन ना बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने ऑफलाइन ही मार्केट से लिया था और ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाली फाउंडेशन। तो देखिए कितना अच्छा से ये फाउंडेशन मिला ली हूँ मैं डॉट डॉट करके। और आप इसे ना तुरंत ही लगाने के बाद अप्लाई करें, नहीं तो ये सूख जाएगी तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और फिर मैं यहाँ पे ली हूँ लैक्मी का काजल, तो ये काजल भी मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी, तो क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज कर चुकी हूँ तो इसके लिए मैं फिर अप्लाई करूंगी आईलाइनर। तो आईलाइनर भी मैं जब पार्टी में जाती हूँ तो ज़रूर लगाती हूँ, इससे मेरे आँख है ना थोड़े बड़े बड़े लगते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है आईलाइनर लगाना। तो मतलब कि इसलिए मैंने छोटा वाला आईना यूज किया है, क्योंकि वहाँ पे मतलब आईलाइनर लगाने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और उसके बाद यहाँ लैक्मी का फेस पाउडर वाइट वाला मैंने लिया है, तो ये वाला लैक्मी का ही मैं ज़्यादातर हर प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो ये लैक्मी में क्या है कि आपका सस्ता भी प्रोडक्ट आएगा, आप जितना पैसा लगाओगे उतना महंगा पाओगे। और इसके बाद मैं लिप वर्म यूज कर रही हूँ, तो अपने होठों के लिए, तो लिप वर्म लगाने के लिए। और यहाँ पे ना मेरी बेटी बुला रही थी तो इसलिए मैं बोली कि आ रही हूँ। और उसके बाद मस्करा, तो मस्करा लगाने के बाद बस इतना सा ही लगाती हूँ और एक दो लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं। तो मैं अपना बाल को कंघी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी सेंदूर। तो सुहागन के लिए तो सेंदूर सबसे बड़ी चीज़ है। और आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए, यहाँ मेरी सेंदूर लग गई है। और लास्ट प्रोसेस लिपस्टिक लगाने का, तो लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये बस, तो लिपस्टिक मेरी ज़्यादा महंगी नहीं है, बस 100 रुपये की ये बाज़ार से मैंने ली थी। और ये इस लिपस्टिक को मेरा 2 साल हो गया है फैमिली, और मेरे पास है 1-2 लिपस्टिक, लेकिन मुझे ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मेट का लिपस्टिक है। और लिपस्टिक लगाने के बाद देखिए, मैं शादी में अगर जाती हूँ या पार्टी में जाती हूँ, मुझे झुमके ना बहुत ही पसंद है। भले ये सोने की नहीं है बट ये रेडीमेड है, तो बस ये झुमके मैं पहन लूँगी। और झुमके पहनने के बाद देखिए, बस झुमके मुझे ना बहुत पसंद है। और उसके बाद एक ना सटा हुआ गला का सेट मैं डाल लेती हूँ, तो वाइट वाइट ना ये ब्लू वाली साड़ी में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो अच्छा लग रहा तो सोचे चलो पहन लेती हूँ। और उसके बाद देखिए, ये एक लॉन्ग सा है मंगलसूत्र टाइप का है, तो ये देखिए मैं इसे भी पहन लेती हूँ, ये भी बहुत ही इसके साथ अच्छा लग रहा था, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं। और उसके बाद मैं कंघी कर लेती हूँ और बना लेती हूँ हेयर, अपना बाल झाड़ लेती हूँ। तो मैं ना इसे पफ ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब ससुराल है तो मतलब कपड़ा रखना पड़ता है ना, तो पफ सही रहेगा। अगर मैं बीच से करूँगी तो क्या होगा कि मतलब सही से मेरे जो बाल हेयर स्टाइल दिखेंगे नहीं, तो इससे अच्छा मैं पफ ही कर लूँगी। तो मैं ज़्यादातर पफ ही करती हूँ, तो आप देखते होंगे तो मुझे पफ ही, क्योंकि हर हमेशा ससुराल है तो सर पे पल्लू रखना पड़ता है, बड़ा छोटा आते जाते रहते हैं, इसी वजह से तो मैं पफ ही करके रखती हूँ। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मेरा बाल भी हो गया है, तो बस बाल में एक लबर लगा रही हूँ। बस मेरा यहाँ पर मेकअप हो गया फाइनल, और बस थोड़ा सा सही से बाल सब झाड़ लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ बालों में। और बस एक लास्ट प्रोसेस है, वो है बिंदी। तो बिंदी के बिना हम सुहागनों की तो फेस खिल ही नहीं सकती है, तो बस मैं बिंदी यूज करती हूँ, तो बहुत ही छोटा वाला बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा वाला बिंदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए बहुत ही छोटा बिंदी है। और बस यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, तो यहाँ पर आप देखिए मेरा फाइनल लुक। मैं बस इसी तरह कहीं भी जाती हूँ तो बस इसी तरह रेडी होती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सजना सवरना आप लोगों का कैसा लगा। इस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैं क्या क्या अपने फेस पे यूज करती हूँ, तो ये सब जितने चीज़ आप देखें ना फैमिली, तो ये बस मैं जब पार्टी वेयर में जाती हूँ तभी मैं करती हूँ, नहीं तो बस मैं घर में सिर्फ पॉन्स का क्रीम यूज करती हूँ, बस सिंपल सा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।